कणों किसी काम की डायनेस्टी नहीं है, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इनको चार शब्दों में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। ब्राह्मण शासक थे ये, ठीक है, और अपने आप को कण्व ऋषि की संतान बताते थे, ठीक है। और वासुदेव कर्म ने 72 BC ईसा पूर्व में मार डाला था देवभूति को, है ना। और यह विवरण मिलता है हर्षचरित में, हर्षचरित में। और ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, जिनको इसने मार डाला था वासुदेव कर्म कर्म ने। ये इनका प्राइम मिनिस्टर था, डायनेस्टी प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुई थी राजा को मार करके, और वैसे ही समाप्त हुई, है ना। और शुंग शासन धीरे धीरे वैसे भी समापन की कैटेगरी में पहुंच गया था। पहले शासक के अलावा कोई सफल शासक नहीं था, पहले शासक उस समय तो शुंग के बाद केवल राज्य का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, बस बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्योंकि सब ऐसे ही टाइप के थे, कमजोर टाइप के, है ना, शासक। तो धीरे धीरे सब आजाद होते जा रहे थे, ठीक है। और शुंग वंश का क्या कहते हैं, एक शासक था सुमित, ठीक है, कोसल राय क्षेत्र की तरफ जो शासन करता था, उनको मार डाला था एक मूल देव नाम के एक राजा ने, जिसने फिर से स्वतंत्र कोसल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। कोसल किंगडम को वापस से इंडिपेंडेंट किया मगध से, इसलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। कोसल किंगडम को मर्ज किसने किया था, अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने मर्ज किया था। और किसने क्या कहते हैं इसे वापस मगध से अलग करके इंडिपेंडेंट राज्य बनाया, वहां पर सही मोल दे, उत्तर है मोल दे। मूलदेव, मूलदेव। वासुदेव के बाद, वासुदेव कर्ण के बाद अगले शासक थे भूमित्र, ठीक है, ये भी किसी काम के नहीं। भूमित्र के बाद अगले शासक थे उनके पुत्र नारायण, वो भी किसी काम के नहीं। नारायण के बाद अगले शासक सुशर्मन, ये बिल्कुल किसी काम के नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये डायनेस्टी ऐसे ही थी जो पूछी जाती ही नहीं है, इसी कारण से, क्योंकि कुछ इसने बहुत खास किया ही, बहुत खास क्या मतलब, कुछ किया ही नहीं, ठीक। केवल यही चार लोगों के बारे में नाम पता है बस इतिहास में। नारायण के बाद कौन थे सर? सुशर्मन, सुशर्मन, जिनको मार डाला सिमूक ने, ठीक है। सातवाहनों ने आक्रमण करके इनको समाप्त कर डाला, और यहां से अब इंपॉर्टेंट डायनेस्टी शुरू होगी, सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। सातवाहन वंश यहां शुरू हो जाएगा। दक्षिण भारत के शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में भी शासन किया, ठीक है। और सातवाहनों को दक्षिण भारत का मौर्य कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अत्यधिक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी मौर्यों की, वैसे ही अगला डायनेस्टी है ये, नेक्स्ट डायनेस्टी सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। तो वैसे ही सातवाहनों को भी माना जाता है दक्षिण भारत का मौर्य, क्योंकि इनका शासन भी अत्यधिक केंद्रीकृत था और मौर्य प्रशासन से बहुत अधिक मिलता जुलता था, ठीक है। जो इनका राज क्षेत्र था कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच, दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच, महाराष्ट्र के पुणे से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट तक फैला हुआ था। कहां कहां, पुणे से लेकर के
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोस्ट तक इनका राज्य क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है, द्वितीय ईसा पूर्व तक, सेकेंड सेंचुरी बीसी तक। और एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कन्वा डायनेस्टी हो गया क्या सर? इनका राजवंश, इनका सातवाहनों का राजवंश जो द्वितीय ईसा पूर्व में शुरुआत में जहां से इनका जहां पर इनका राज क्षेत्र था, महाराष्ट्र के पुणे से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट तक था, ठीक है। और जो कि कृष्णा और गोदावरी दो ठो नदियां हैं बहुत महत्वपूर्ण, गोदावरी को दक्षिणा गंगा कहते हैं, इन दोनों नदियों को जोड़ा भी गया है 15 सितंबर 2015, पेपर में पूछा भी जा चुका है, इसलिए दोबारा वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य पहले दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, है ना। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद इस डायनेस्टी की स्थापना यहाँ हो गई थी, ठीक है। इन्हें क्योंकि दक्षिण भारत में शासन करते हैं तो पुराणों में और सिक्कों में इनको सातवाहन, आंध्रभृत्याज, ठीक है, अंध्राक, ऐसे कई नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बड़े पैमाने पर शीशे के आंध्र सर आंध्र विख्यात होता है इतिहास। आंध्रभृत्याज, और अंधक इन्होंने बड़े पैमाने पर शीशे के सिक्के चलाए तथा तांबा एवं चांदी की मिलावट खोरी करके भी सिक्के चलाए, मतलब गरीब थे हमको लग रहा है। कहां हमारे मौर्य साम्राज्य में सोने सिक्के चलते थे, है कि नहीं? कहीं शेर मारता हुआ तो कहीं देवी लक्ष्मी पैसा बरसाती हुई, हाँ, तो किसी में कविराज, कविराज वाला जिसमें गिटार बजा रहा था, क्या नाम, गिटार क्या मतलब वीणा बजा रहा था, ऐसा समुद्रगुप्त, सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने सर। हाँ, समुद्रगुप्त ने चलाया था। कविराज की उपाधि किसने दिया था? हरिशेन, हाँ ठीक है। और हरिशेन ये मिलावट खोरी करके सिक्का चला रहे हैं, और भी सीसक सिक्का, तो ये दिखाता है कि गरीबी बेचारे कहाँ। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर था, ठीक है। हरिशेन हो सकता है यार। हाँ, अभी से अगली बात, ये अभी ब्राह्मण माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था इनके प्रशासन में देखी जाती है, क्योंकि इनके जो शासक हुए हैं अपनी मम्मी का नाम ज्यादातर लगाते थे अपने सरनेम के आगे, है ना, अपनी माता का नाम लगाते थे, इससे पता चलता है कि हाँ मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था इनके राज क्षेत्र में थी, है। ये दुभाषिया सिक्के चलाते थे, ठीक है, दुभाषिया सिक्के चलाते थे जिसमें राजा का नाम, ठीक है, राजा का नाम अच्छा। प्राकृत भाषा से खुदा हुआ होता था, ठीक है,
और जो वैल्यू होती थी, ठीक है, जो वैल्यू होती थी वो किसी देश वहीं की लोकल लैंग्वेज पर, जैसे कन्नड़। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज में वैल्यू लिखी होती थी, प्राकृत और एक साउथ इंडियन लैंग्वेज, दो लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ हो रहा था। ठीक है, सातवाहन शासकों ने, अगर बात करें कि इनकी राजधानी कहाँ थी, है ना, महाराष्ट्र, अमरावती। ठीक है, अमरावती इनकी राजधानी थी। अब बात आते हैं, कौन था पहला शासक इसका? सर इसका फाउंडर सिमुख था ना? हाँ, सिमुख। सिमुख इसके संस्थापक थे। ठीक है, और इनके बाद जो अगले शासक आते हैं ये किसी काम के नहीं, सिमुख भी। ठीक है, इन्होंने रथिक और भोजक, भोजका मतलब कि भोज, रथिक और भोजक शासकों को पराजित करके राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगले शासक आते हैं कान्हा। ठीक है, कान्हा इनके बाद, सिमुख के बाद आते हैं अगले शासक कान्हा, भाई थे इनके। कान्हा के बारे में कुछ कोई मतलब काम नहीं। ठीक, इनके बाद आते हैं, हम लोग फिल्टर करके पढ़ना जो पेपर में है बस वही पढ़ना है। कान्हा के बाद बनते हैं सातकर्णी प्रथम, जो सिमुख का पुत्र था, वो गद्दी पर बैठता है। सातकर्णी प्रथम, जिसका दूसरा नाम था या पहला नाम कह सकते हो इसे, श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था नागरिका। ठीक है, नागरिका ने नाना घाट का अभिलेख लगवाया था। ठीक है, पूछा जाता है नागरिका का नाना घाट अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है, तो वो इन्हीं के राजवंश से संबंधित है, मतलब सातवाहन राजवंश से संबंधित है। फिर बात आती है कि इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि लॉर्ड ऑफ दक्षिण प्रथा, दक्षिण भारत के भगवान थे। ठीक है, एक तरह से बहुत महान शासक थे दक्षिण भारत के, उसको इसमें वर्णित किया है। और ये भी इसमें लिखा गया है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय दोनों प्रकार के यज्ञ किए थे। ठीक है, अश्वमेध और राजसूय दोनों प्रकार के यज्ञ इन्होंने किए थे। कौन कौन आया है देख लें सर। कन्वर डायनेस्टी हो गया सर। कन्वर डायनेस्टी हो गया, वो कुछ कुछ दम नहीं थी उसमें, बेकार डायनेस्टी। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। चार लाइन में खत्म कर दिया था। तो इसने क्या किया था भाई, अश्वमेध और राजसूय दो बड़े महान यज्ञ किए थे। बीबिन लिखा है, कोई भरोसा नहीं है कि अभी तक नहीं किया था। ठीक है, तो अब जो है अगला देखते हैं, इनके बाद आते हैं सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी प्रथम तो कोई चीज अगर इम्पोर्टेंट है तो बस केवल नागरिका के नाना घाट अभिलेख, उसके अलावा कुछ नहीं। अगला आता है सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय सातवाहन वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसका नाम
कलिंग के शासक थे खारवेल, ठीक है। अब खारवेल की खासियत ये थी कि इनको जो कोई कूट देता था उसका नाम ये लिखवा देते थे गुफा के अंदर, है ना, हाथी गुफा, हाथी गुफा नाम की गुफा के अंदर ये लिखवा देते थे कि इसने हमको मारा, ये राजा अच्छा नहीं, मेरा शत्रु है ना। तो उससे पता चलता था कि इसको किसने किसने कूटा। तो हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के इसका नाम शत्रु के तौर पर लिखा गया है, उसने लिखा है कि ये हमारा शत्रु है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको कोई लतिया देता है तो 20 आदमी बताते हैं और फेसबुक पर पोस्ट भी डालते हैं कि मैं प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, है ना। ठीक है, कहाँ होते तो समय तो वही होता थे लेख। हाँ तो है ही, पर क्या तब अभिलेख वगैरह होते थे, पटरा वटरा अभिलेख लेटर। हाँ प्रसन्न पांडे खुदवाए जाते थे वो। और सर इसमें जो ये सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का भी प्रथा चलाया था ना। बिल्कुल, ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे सर। सबसे पहले भूमि अनुदान किनको दिया गया था सर? ये जो है सबसे पहला भूमि अनुदान किसको दिया गया था कहीं वर्णित नहीं किसको दिया गया था। नहीं सर ये सर नहीं ब्राह्मणों को बाद में दिया गया था सर, शायद पहले बौद्धों को दिया गया था आई थिंक। बौद्धों को तो हमेशा से देते आए हैं, ठीक है। बौद्धों को तो पहले इन्होंने कहां दे दिया, बौद्धों को तो बहुत पहले से दिया जा रहा है भूमि दान, अशोक खुद ही देता था। सर मैं इस वंश के बारे में बोल रहा हूँ, सातवाहन वंश के बारे में बोल रहा हूँ कि सातवाहन वंशों ने स्टार्ट किया था ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जब बौद्ध धर्म नहीं था तो क्या दान दक्षिणा नहीं चलती थी? नहीं है सर, एविडेंस नहीं है सर इसका कहीं भी, भूमि दान का शास्त्र तो कहीं भी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कि इन्होंने सबसे पहले भूमि दान ब्राह्मणों को देना शुरू किया, देते थे बस यही है। जब बौद्ध धर्म ही नहीं था और तब शासन था तो क्या जो है भूमि दान नहीं चलता था? सातकर्णी प्रथम के, ठीक है। इनके बाद लंबोदर शासक बनते, ठीक है। लंबोदर के बाद अपीलक, और अपीलक के बाद एक कवि थे, इनको गलती से बना दिया गया शासक, हल, ठीक हल। तो हल जो थे वो थे स्वभाव से कवि लेकिन बन गए राजा। सर हाल है, हल नहीं, हाल हाल है, है? हाल नहीं है सर, हाल है, हाल हॉल, हाँ पे आ की मात्रा है। अच्छा वो हिंदी साहित्य में होगा इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ, एक बुक भी लिखा था शब्द सप्तशती। उसके अलावा इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कभी, क्योंकि और कुछ है भी नहीं कि जो इनसे पूछा जा सके, है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ये 17वें नंबर के शासक थे। हाँ बोलो, क्या बीच बीच बोल रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो 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 बोलो, तुम लोग अपने मन की इच्छा पूरी कर लो तो फिर हम बोलेंगे, बताओ। बोलो बोलो भाई, अब बोलो, बता दो जो जो बताना है उसके बाद हम आगे बढ़े। हाँ सर, कुछ छोड़ दिया तो आप बता दीजिएगा। बताओ भाई, चिड़िया बोल रही, तुम बंद करो अपना म्यूट करो। यस सर। हम्म,
चलो 17वें नंबर के शासक थे, ये हल हो या हाल हो है ना, बरामदा। इन्होंने गाथा सप्तशती लिखा और ये ही एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, जिसे गाहा सप्तशती भी मान लो लिखा कहीं मिल जाए तो समझ आए। ये रोमांटिक टेक्स्ट है और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर ये कमजोर शासक थे, कोई बहुत पावरफुल नहीं थे, ठीक है। शकों ने इनको पराजित कर दिया था, गद्दी वद्दी इनकी छीन लिया था और इन्हें गुजरात भागना पड़ गया था अपनी जान को बचाने के लिए, ठीक है। शक शासक नहपान ने, इनके बाद आएंगे शक शासक है ना, शकों का सिस्टम शक सत्रप सिस्टम था और काफी टिपिकल नाम है उनमें, शक सिस्टम जो था देखने को मिलता है। लेकिन बाद में आते हैं गौतमी पुत्र सातकन्नी, ठीक है, अब वो फिर से सातवाहन वंश को दक्षिण भारत में मजबूत करते हैं, शकों को हरा कर। और गौतमी पुत्र सातकन्नी सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है इनके, ठीक है। इन्हें कहा जाता है शकहंता, ठीक है, क्योंकि इसने शकों की शक्ति को पराजित करके फिर से सातवाहन वंश की नींव रखा था दक्षिण भारत में। तो यानी कि दोबारा से किसने स्थापना करी, गौतमी पुत्र सातकन्नी, बहुत ही शक्तिशाली। इन्होंने पल्लवों और यवन शासकों को भी पराजित किया था, ठीक है। इनके बारे में जो विवरण मिलता है, इनकी माता गौतमी ने नासिक प्रशस्ति यानी नासिक के अभिलेख को नासिक प्रशस्ति कहा जाता है ना, इनकी माता गौतमी ने इसे लगवाया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर पूछा गया है कि नासिक प्रशस्ति किनसे संबंधित है, सातवाहनों से है और गौतमी पुत्र सातकर्णी से है और उसे इसकी माता ने ही लगवाया था। 78 एडी से 102 एडी तक शासन किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, लंबा शासन काल, ठीक है। नासिक प्रशस्ति में इनके अचीवमेंट्स को ही दर्शाया गया है, इसमें बताया गया है कि इनका साम्राज्य मालवा, गुजरात, नर्मदा घाटी, विदर्भ, पश्चिमी राजपूताना, सौराष्ट्र एवं कलिंग तक फैला था, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और उसमें लिखा गया है कि नासिक प्रशस्ति में कि ये जो है अपरांत, मतलब कि जो इसको उस भाषा में कहें जो जो एक्चुअल में लिखा था, अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, अकार है ना, अवंती, इन सब राज्यों का शासक है इनका पुत्र, ठीक है। इसने राज राजा की उपाधि और महाराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है, राज राजा महाराजा, बढ़िया नाम है, राज राजा महाराजा, बड़ा नाम बड़ा काम, जिसको बड़ा होना हो अपना नाम बड़ा कर ले है ना, तुरंत फेमस हो जाएगा। श्री श्री 1008 फलाहारी ब्रह्मचारी है ना महाराज अभिषेक,
अभिषेकानंद जी महाराज बाबा बन जाओ फेमस। अभिषेक को मत बनाओ सर जी, अभी अभिषेक इसीलिए बाबा बना रहा हूँ क्योंकि बाबा ही लोग सबसे ज्यादा कांडी होते हैं, है ना? जो जो बना दो आप भी गिरा दो। कितना खुश हो गया कितना खुश हो गया देखो कहाँ खुश हो गए, अरे खुश तो है ये। चलो ठीक है बुलाएंगे तुमको, हम मुहर दे देंगे तुमको, मुहर वो देंगे रितुल जी। हाँ ने दी थी कलम को मुहर आपने दे दी थी। अच्छा कल तुम्हारा दिल खराब था क्या? अच्छा कल इन्होंने तुम्हें मुहर दिया था पहले? अगले 352 से लेके 360 में उधर फंसा रहा। अच्छा निशी ने नीति ने मैसेज किया कि सर क्या कहते हैं आज पहली बार जो है आप आए और हम नहीं थे, रोने वाला मुंह। हमने कहा कि तुम रोती अगर आती तो सर्जिकल स्ट्राइक किए। ये नहीं है ना, हम अभी सुनेंगे पता चलेगा क्या चल रहा था कल, कुछ पता नहीं है। अच्छा था कि नहीं थे वहाँ, कोई एक सब्जेक्ट भी चल रहा था कुछ भी चल रहा था। देखो सब्जेक्ट के दायरे से मुक्त हो जाओ, मेरा कहना यही है सब्जेक्ट के दायरे से मुक्त हो जाओ, है ना? तो समय कोई चीज पढ़ो तो डीपली पढ़ो कि वो क्या है, उसके पीछे क्या है ना, समझाओ। जैसे कोई चीज बोले तो उसके पीछे क्या है, क्यों है। अब डायरेक्ट वहां पर आईआर की बात नहीं, जैसे प्रोसेसर वाली बात थी तो क्यों जरूरत पड़ी प्रोसेसर की भाई, है ना, काहे लिए। तो ये सब चीजें ये सब चीजें पढ़ के आओ, है ना। पढ़ने का तरीका बता रहे थे हम, है ना जी। खैर ये 72 एडी से कहां तक बताया था साधन इसका? 108 78 एडी से 108 ठीक है। सर ये गौतमी पुत्र सत्कर्णी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था ना? पूरा ये सातवाहन ही ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है, लेकिन बौद्धों को भी मानते थे। आर्यों के फ्लैग बियरर कहलाते हैं ये, ठीक है। दक्षिण भारत में आर्यों के, हाँ अच्छा याद आया, दक्षिण भारत में आर्यों की प्रथा को यानी आर्यों की वंश को बढ़ाने वाले शासक ये थे, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यह फिर से लगा दिया था क्या कहते हैं वो चार वर्ण वाला सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैटेगराइजेशन इसने दक्षिण भारत में फिर से कर दिया था, इसलिए क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। सर आपने मुझे एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उसमें गौतमी पुत्र सत्कर्णी का शासन काल सर 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक लिखा हुआ है। फिर से कहा हिस्ट्री में डेट हमेशा अलग अलग जगहों पर गलत गलत अलग अलग होंगी, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। अभी वाला सर जो आपने बताया करेक्ट है ना? नहीं कोई करेक्ट नहीं, अच्छा। कुछ करेक्ट नहीं, ठीक है, एक अनुमान है वो तो। हाँ एंशियंट हिस्ट्री में डेट नहीं पूछी जाती, इसीलिए जो एकदम कहीं पटरे लिखी हो तो वो जो है पूछी जाती है, वो पूछी जा सकती, बस कंफर्म हो एकदम राजन खुद ही लिख दिया हो कि हम इसी एडी के, तब नहीं तो नहीं। गौतमी पुत्र ने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य दोबारा से स्टार्ट किया था तो पहले खत्म हो गया था क्या ये? हाँ
खत्म किसने कर दिया था? खत्म दूसरे दूसरे शासक आ गए, कहीं शक आ गए, शकों की सभ्यता एकदम अलग थी, व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी शायद, तो वो बाद में उसको स्टेबलाइज किया है दोबारा। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में तो आर्य पहुंच ही नहीं पाए थे, केवल उत्तरी भारत तक तो थे। आर्य दक्षिण भारत में गए कहां थे? तो दक्षिण भारत में आर्यों की विजय, आर्यों की पताका फहराने वाला कौन? उत्तर भारत में तो वैसे भी चल रहा था आर्यों का ही सिस्टम। सर श्रीलंका में, श्रीलंका में क्या चीज, श्रीलंका में बौद्धिज्म चल रहा, रावण भी तो आर्य ही था सर। अरे यार रावण वावण की बात यहाँ ना करो, है ना, रावण की बात ना करो। यस सर, रावण तीनों लोग जीत चुका था वहां, तो स्वर्ग वर्ग भी मार पीट उनको भगा दिया था, देवता भी माफी मांगते थे सर से, तो जब पताल तक शासन था उसका, वही तो पूछ रहा था सर कि असली ब्राह्मण था, है ना, लेकिन बस उसका स्वभाव अच्छा नहीं था बस। लेकिन एक बात है, जो भी हो रेपिस्ट नहीं था, है कि नहीं? सर ये सही है बिल्कुल सर, रावण बहुत सही आदमी था एक तरह देखा जाए तो। अब ताकत है तो मारे पूछेगा ही, इसमें कौन सी बुरी बात है, जिसके पास ताकत हो शासन उसे वही कर सकता है ना। यस सर, उसे ताकत है तो मार के भगाया इंद्र को, उनके औकात होती थी लड़ते, जीत लिया उसने, सही बात है सर। अब क्यों ना जीते, लेकिन एक चीज है कि वो ताकत सर वो यूज कर, हाँ बलात्कारी नहीं था, महान भक्त था, महान संगीतकार था, ठीक है, उससे बड़ा ना तो कोई आज तक ज्ञानी पैदा हुआ है ना हो, अभी होने की संभावना है, है ना। यस सर, चारों वेदों का ज्ञाता महान भक्त, कौन भक्त होगा जो अपना शरीर काट के डाल देगा शंकर भगवान को, फूलों की जगह सर की माला चढ़ा दिया था, है तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसी के बदले में उसको हजार हजार सर मिले थे। सर ये कंफर्म, सर ये कंफर्म नहीं है ना कि रामायण महाभारत इस काल में हुआ है, इस पीरियड में लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है ना सर कंफर्म? नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ तक तो अभी अभी कंफर्म हुआ है कि भाई हाँ राम थे, है ना, और नहीं तो अभी तो इसके पहले तक तो मिथोलॉजी माना जाता कि ये तब थे ही नहीं, लेकिन अब तो माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य देखे हैं उसके आधार पर पट्टा लिखा है। भारत में इतना लेट मान रहे हैं सर, लेकिन दुनिया तो बाकी मान रही है ना। हाँ दुनिया तो मानती ही है, लेकिन भारत में ही नहीं मानते थे कि राम और कृष्ण कोई थे, लेकिन अब माना जाता है कि हाँ थे, ठीक है। तुम्हारी चिड़िया बहुत बोल रही, उसको बंद करो। यस सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है ना कि इनका जो वास्तविक रूप, जो आर्य जो रूप है ना बटवार, क्या हो जाता है कहा सर, कहा जाता है कि इनका जो वर्तमान रूप है ना वो गुप्त काल तक अस्तित्व में आया है, गुप्त काल में अंतिम रूप, अंतिम रूप से संकलन इनका मतलब गुप्त काल तक हुआ है ऐसा कहा जाता है सर। नहीं अभी गुप्त क्यों कहा आ जाएगा, अभी इनके बाद आ जाएंगे, अभी शक इनको खत्म कर डालेंगे। नहीं नहीं सर मैं इनके रामायण और महाभारत की बात कर रहा हूँ सर। तो गुप्त काल में रामायण महाभारत का क्या मतलब है? मैं ये कह रहा अंतिम रूप से संकलन सर इनका गुप्त काल तक आते आते हुआ है सर, ऐसा कहा जाता है सर। हाँ हाँ ये तो है ही है। हाँ सर अंतिम संकलन मतलब धीरे 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 सब चीजें जुड़ जुड़ करके हुई है ना, तो वो गुप्त काल तक जो है, गुप्त काल में तो बहुत साहित्य कला और वास्तुकला सब बहुत चरमोत्कर्षित हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही सिस्टम शुरू किया था अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों को वो करने का, मतलब कि नवरत्न वाली प्रणाली उसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शुरू किया था, अकबर तो काफी किए सिस्टम है ना, और उसके जो लोग थे वो वाकई बुद्धिमान थे, जानकार थे। अकबर वाले तो जितने थे चापलूस थे,
उतना अच्छा कुछ खास नहीं आता था, लेकिन उनको बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा कर दिया जाता। तुकबंदी दिखाई देती बस, अबुल फजल भाई जी खोलो, तुकबंदी है कुछ नहीं, चापलूसी भरा पड़ा ग्रंथ है, लोग चापलूसी लिखते थे, वो सब मिथोलॉजी लिखते थे, वो सब साहित्य लिखते थे, लिखना पड़ता था सर उनको दरबार में। हाँ वो तो ही है, क्योंकि घर भी चलाना है उनको, चापलूसी नहीं करेंगे तो कहाँ से कहाँ काम चलेगा, है ना। और खुश हो जाएंगे और उनको पैसा दे देंगे, कुछ ना कुछ पा जाएंगे, लिख देंगे किताब, और राम के ऊपर लिख नहीं सकते अभी, है ना। अकबर कहीं ना सेकुलर था वा नहीं, कुछ अकबर ही था जो मीना बाजार लगाता था सर। मीना बाजार तो सर हमारे के टाइम से लगने लग गया था। हाँ तो क्यों लगाता था, ये बंद कर देता। हाँ नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं किया। बड़े सेकुलर थे। अपनी बेटियों की शादी किसी एक राजपूत से करवाए, इसने अपनी बेटियों की अपनी बेटियों को कुंवारे मार डाला था, शादी नहीं किया किसी से, ठीक है सर। मीना बाजार में क्या होता था? मीना बाजार में हिंदू की गरीब औरतों की जिस्म फरोशी होती थी, बड़े बड़े शेख लोग जाते थे, मंत्री और ये सब वहां पर औरतें बैठी रहती थी, उनको खरीद के लेके आते थे, ठीक है, रात भर का पैसा वेश्यावृत्ति करवाते थे हिंदुओं की गरीब औरतों को, वही था मीना बाजार, ठीक है। अब आते हैं इनके इनका जिक्र तो सर इन्होंने कि अपने अपने मतलब जो ग्रंथ उनमें तो बहुत कम किया, बाकी जो यूरोपियन ट्रेवलियर थे उन्होंने किया सर इसको। हाँ ये अपने क्यों बताएंगे, अपने ग्रंथों में क्यों बताएंगे कि हमने ये कांड किए हैं। हाँ सर यूरोपियन ट्रेवलियर ने ना उनको लाइट में डाला है ना, इन्होंने तो नहीं बताया। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया, अपनी बुराई कोई खुद नहीं करता। तो इनके बाद आते हैं पुलमाई प्रथम, है ना, फिर शिव श्री सातकन्नी, ठीक है, और महा नहीं क्या प्राणी का नाम मधा मधारी पुत्र सकसेन, मधारी पुत्र सकसेन शासक बने, मतलब पुलमाई प्रथम, फिर शिवश्री सातकन्नी, ठीक है, फिर मधारी पुत्र सकसेन, कोई मतलब के नहीं है, लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो यज्ञ श्री यज्ञ सातकन्नी, और उसके बाद आते हैं पुलमाई द्वितीय, यानी कि वासिष्ठी पुत्र पुलमाई, ठीक है, या वासिष्ठी पुत्र सातकन्नी भी कहते हैं, इनकी माता का नाम था वासिष्ठी, ठीक है, पुलमाई सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं, वासिष्ठी पुत्र पुलमाई, पुलमाई सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये गौतमी पुत्र सातकन्नी का पुत्र था और बहुत ही प्रभावशाली शासक था। इन्होंने अपने राज क्षेत्र को कर्नाटक के छोर तक पहुंचाया, ठीक है, एकदम तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से तक, कुटक मंडलम ऊटी बिलेरी जिला कर्नाटक तक, और शक शासक रुद्रदामन बहुत प्रभावशाली शासक था, शक शासक रुद्रदामन ने इसको दो बार हराया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यह बात मिलती है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है कि दक्षिण पथपति, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत के शासक पुलमाई द्वितीय को रुद्रदामन ने दो बार हराया, लेकिन मारा नहीं,
क्योंकि वो इसका दामाद था। तो यही बार बार मुंह ठाक जाकर उसके ऊपर आक्रमण करते थे, वो इनको पीट के छोड़ देता था। तो गिरनार अभिलेख में यही बात लिखवाया। ठीक है, इनके शासनकाल में शक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, जानबूझ के मुंह में भर लिया और लग गया, म्यूट कर लीजिए, है ना। और शक शासक चेष्टना ने बड़ी तेजी से राज क्षेत्रों को कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया। फिर पुलमाई तृतीय आए और उसके बाद आए पुलमाई चतुर्थ। ठीक है, पुलमाई चतुर्थ ही अंतिम शासक थे, छोटे से थे, काम खत्म कर दिया उनको मार करके। ठीक है, चेतना ने। और इस तरह से शक राजवंश समाप्त हो गया, सातवाहन राजवंश समाप्त हो गया। अंतिम शासक थे पुलमाई चतुर्थ। तो ये सब चीजें थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट। अगर हम इनकी बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, अच्छा, तो शुरुआत इनकी धर्म की बात करें तो हिंदू डाइटीज की पूजा करते थे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी प्राकृत भाषा थी, लेकिन इनके सिक्के दुभाषिया हुआ करते थे, दोनों भाषाओं में सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, राम कृष्ण वासुदेव ये सब इनके भगवान हुआ करते थे, क्या है जो कि ब्राह्मण रूरल थे दक्षिण भारत में। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। इनके काल में नागार्जुन कोंडा एवं अमरावती बौद्ध धर्म के प्रधान क्षेत्र हुआ करते थे, आज भी हैं नागार्जुन कोंडा एवं अमरावती। और स्वयं इन सातवाहनों ने बहुतेरे स्तूप चैत एवं विहारों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये बौद्धों के प्रति घृणा की भावना नहीं रखते थे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्ले का चैत। ठीक है, कार्ले का चैत और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कई बिहारों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, नासिक में अमरावती स्तूप का भी निर्माण करवाया था, अमरावती स्तूप। अब अगली बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो हाईली सेंट्रलाइज था, ये हम बता ही चुके हैं, सिमिलर टू मौर्य। ठीक है, और इसमें राजा का दैव सिद्धांत को फॉलो करते थे कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का भेजा गया दूत है। दूत क्या है, वो ईश्वर के समान ही है और उसकी बात मानना, इसलिए समझ लो कि ईश्वर की बात मानना है, उसकी अवहेलना करना समझ लो कि ईश्वर की अवहेलना करना है। ठीक है, पूरे साम्राज्य को जनपदों में बांटा गया था। ठीक है, और प्रत्येक आहार को का जो मतलब जो नियंत्रक होता था, रूलर होता था, अमात्य होता था, अमात्य। आहारों को ग्रामों में बांटा गया था। ठीक है, अब ग्राम को देखने वाला जो प्रमुख था, प्रधान एक तरह से, गमिका कहा जाता था। ठीक है, अगली बात आती है, किंग को क्या कहते थे, राजन। और सिक्के चलाने का हुक्म यही देता था, अपने मन से कोई सिक्का नहीं जारी कर सकता था, यानी गवर्नर अभी जैसे अभी यही थे आरबीआई के, राजा ही। ठीक है,
प्रांतीय गवर्नर सेनापति होता था। परफ्यूम के व्यापारी सबसे अमीर व्यापारियों में गिने जाते थे, जिन्हें गंधिका कहा जाता था। ठीक है, गंधिका कहा जाता था। ये भी पूछा गया, और एक भी पूछा गया, उड्डयन क्या था? उड्डयन ऊन निर्माण कारखाना होता था, जहां पर ऊल बनाए जाते हैं, गोल गोल करके सूत बनाया जाता है उससे, ऊल मेकिंग सेंटर। गौलमिका ग्रामीण क्षेत्र थे। ठीक है, और इसी के साथ ही सातवाहन डायनेस्टी का मामला समाप्त। बहुत ज्यादा यहां से नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे शक। हाँ बोलो भाई। बोलो अरे बोलोगे, कुछ बोल रहे थे, बोलो तो शुरू करें दूसरा। हाँ आवाज सही से नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, लिख दो पढ़ने। सर लिखा है देखो एक बार। ये जनपद के प्रमुख पूछे है हाँ? जी सर यही। यस सर, जनपद के प्रमुख अमात्य मतलब एक नहीं जनेश ही होते थे। ठीक है, जनेश। अगला है आपका सक सत्रप सिस्टम, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। इनसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंट्रलाइज करने के बाद उनको एकदम इंडिपेंडेंट कर दो, ये ऐसा सिस्टम इन सकों का था। सत्रप, इसे कहते सत्रप, ब्रांचें अलग अलग जगहों पर स्थापित होंगी, और इनके पतन का कारण भी यही था। तो ये कमजोर हुए उसका कारण भी यही था, क्योंकि शकों का सिस्टम यह था कि बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देना। जैसे कि मान लो हम तुमको गवर्नर या तुमको कहीं गवर्नर बनाए, तो तुमको हम पूरा पावर दे दिए वहां का, कि तुम वहां पर हमसे बिना पूछे त्वरित रूप से स्वतंत्र रूप से अपना मानते हुए निर्णय लोगे, कार्य करोगे, तो तेजी से काम करोगे, फैलोगे, कोने कोने में फैल करके सिस्टम को फैलाना शुरू करो। एक दिन सब लोग सीमा को चारों तरफ से बढ़ाते बढ़ाते आकर के वापस में मिल जाएंगे, और इस तरह से शक पावर पूरे उस पर फैल जाएगी। एक दिन ये सेंट्रलाइज हो जाएगी, अभी डिसेंट्रलाइज, समझे? कहने का मतलब कि जैसे कि हमने हमारे चार सिस्टम है, मान लो चार लोग गवर्नर बना दिया मैंने, एक को कहा तुम चले जाओ मथुरा, एक को कहा तुम अफगानिस्तान, एक को कहा पाकिस्तान, ठीक है, एक को कहा गुजरात चले जाओ, और सबको कहा कि भाई तुम लोग को पूरी ताकत दे रहे हैं, जो मन कहे वो करना, हमसे पूछने आओगे बार बार तो तुम लोग अच्छे से शासन नहीं कर पाओगे, अच्छे से राज्य का विस्तरण नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें हम पूरी ताकत देते हैं, एकदम राजा की तरह तुम समझो हो, अपना मान करके डायनेस्टी चलाना, तो तुम बहुत अच्छे डायनेस्टी चलाओगे और धीरे धीरे फैलोगे। और जो एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ से चारों लोग फैलते फैलते राज सीमा आपस में हो जाएगी, तो उस तरह से पूरे पर शकों का शासन होगा,
लेकिन ये क्या थी, खिचड़ी थी, खिचड़ी नहीं थी मतलब कि एक दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। ऐसा कोई सिस्टम जिसका कोई लीडर ना हो चल ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर एक कंट्रोलर होना जरूरी होता है, इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो आपस में ही लड़ गए तो क्या कर लोगे, हालांकि लड़े नहीं, लेकिन अगर आपस में ही शक लड़ाई करने लगे, इसीलिए दूर दूर तक भेज देते थे कि जल्दी इनकी बाउंड्री आपस में मिले ही नहीं तो झगड़ा कैसे करेंगे, है ना। ब्रांचे स्थापित करते थे, वही ब्रांचे सत्रप कहलाता। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक ब्रांच शुरू होती थी दूसरी खत्म हो जाती थी कहीं पर कुछ ही दिन में, जो ये चाहे थे वो कभी पूर्ण नहीं हो पाया। ठीक है, स्कीथियंस थे, ठीक है, मतलब कि नोमैडिक घुड़सवार और चरवाहे थे, ठीक है, यानी ईरान के प्राचीन ईरानी क्षेत्र के नोमैडिक्स, घुमक्कड़ बंजारे चरवाहे जो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे आवागमन के लिए, वो थे शक, ठीक है, स्कीथियंस कहा जाता है संस्कृत में शक, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहने वाले लोग, ठीक है, जिनमें सबसे पहला बात करते हैं किसने स्थापित किया था इसको, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चीज है शक्शस्त्र, इसलिए ध्यान समझना, कौन कहां पर कैसे शासन किया बहुत कंफ्यूज करता है। मोगा इसके संस्थापक थे, ठीक है, मोगा शक सत्रप सिस्टम के संस्थापक कौन थे, तो मोगा 80 से 65 बीसी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था गांधार में, ठीक है, मतलब शासन किया था 80 से 65 बीसी में, स्थापना किया था 80 बीसी में गांधार, और इनकी राजधानी सिरकप थी, सिरकप, इन्होंने सबसे ज्यादा संख्या में तांबे सिक्के चलाए और महाराजा महात्मा की उपाधि धारण किया, सबसे ज्यादा तांबे सिक्के चलाए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इश्यूड बाय द मोगा एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा महात्मा। इसके सिक्कों में शिव और बुद्ध दोनों के चिन्ह देखे जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये इतने दोनों ही धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने सिक्कों में ग्रीक और खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया, शिव और बुद्ध दोनों के चित्र ग्रीक तथा खरोष्टी भाषा का प्रयोग सिक्कों में किया। ये जो गांधार वाला रीजन में थे वहां पर शासन किया था। तक्षशिला में ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ। ताम्र पत्र तांबे का पतरा जिसमें उभरा हुआ होता था, लिखा हुआ था, तक्षशिला से प्राप्त हुआ, जो कि इनके बारे में विवरण देता है। ये पूछा गया प्रश्न है, मोगा अभिलेख कहलाता है, ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख है ये, तक्षशिला से प्राप्त हुआ,
पाकिस्तान में है ये रीजन, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और शासक का नाम मिलता है जिसको इन्होंने शासन सत्ता का कार्यभार सौंपा, जिसका नाम था पतिक कुसूलक। ठीक है, पतिक कुसूलक। अब पतिक कुसूलक का नाम, ठीक है, मथुरा के अभिलेख में भी प्राप्त हुआ, मथुरा के अभिलेख में भी पतिक कुसूलक का नाम प्राप्त हुआ। उसको पावर ट्रांसफर किया था मोगा या मोसेस ने, जाओ बेटा तुम जाके शासन करो। अब बात आती है कि मोसेस या मोगा के बाद यहां गांधार में किसने शासन किया। एजस प्रथम ने शासन किया, ठीक है, एजस प्रथम। एजस प्रथम ने ग्रीक शासकों को पराजित भी किया था, ठीक है, और 58 बीसी में एजस प्रथम ने एजस एरा, एजस कैलेंडर चलाया था, ठीक है, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, विक्रमी संवत कर दिया गया था। आएंगे बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नाम बदल देंगे, ये हो जाएगा विक्रमी संवत, ठीक है। एक शक संवत, एक है विक्रमी संवत, हाँ सुने होंगे ये चीज। एक सेवन, एक कितने साल का अंतर होता है? 135 years। दोनों के बीच सर गैप है सर। किसके किसके? एक 78, एक 78 में हुआ था सर, और एक 57। अच्छा, दोनों के बीच का गैप बता रहे हो। हम अभी वर्तमान कैलेंडर से पूछ रहे हैं। वर्तमान कैलेंडर से सर, जस्ट अ मिनट, वर्तमान कैलेंडर से कितना आगे रहता है? अरे सीधी सी बात है, बीसी 58 हाँ 78 इयर्स वो रहेगा, ये 58 बीसी है जिस वाला कैलेंडर, ठीक है, छपनिया काल वही तो था, 58 साल जोड़ दो। एजिस प्रथम के बाद एजिलिसेस ने शासन किया, गंदे गंदे नाम है इनके। एजिस प्रथम के बाद यहाँ गांधार में एजिलिसेस ने शासन किया, जिनके बाद एजिस द्वितीय ने शासन किया, ठीक है। एजिस टू 35 से 12 बीसी के बीच तक शासन किए थे, और ये गांधार में शासन करने वाले अंतिम शासक थे। एजिस द्वितीय, कुषाणों ने इनको समाप्त कर दिया, कुषाण चाइना से आए थे, ठीक है, उनके बारे में बताएं, टकैरियन जनजाति थी, चाइना से आए थे, वहां से भगाए गए थे, और यहां आकर के फिर शकों को इन्होंने पराजित करके उनको भगा दिया वहां से। लेकिन अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्होंने अपने ब्रांचे अलग 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 कर रखे थे। डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा भी है, एक खत्म होगा तो पूरा खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं इनके जो बीज बोए गए हैं वो कार्य कर रहे होंगे, ठीक है।
अब बात आती विमरन कैस्केट, ये क्या है विमरन कैस्केट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है विमरन कैस्केट। जलालाबाद पाकिस्तान में पाई गई थी, ठीक है, और विमरन कैस्केट महात्मा बुद्ध की पहली एवं सबसे पुरानी खड़ी फोटो वाली क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं इमेज, विमरन कैस्केट जो इसने लगवाई थी। और कहां से प्राप्त हुई? जलालाबाद से। और इसके अगल बगल केवल बुद्ध अकेले नहीं हैं, इंडियन जो देवी देवता हैं जैसे कि ब्रह्मा भी बगल उनके हैं, बुद्ध के बगल में ब्रह्मा भी हैं, इंद्र भी हैं, इंडियन देवी देवता भी हैं और बोधिसत्व भी हैं, बोधिसत्व भी बगल में है। तो ये दिखाया है इन्होंने फ्यूजन करने की कोशिश की इंडिया मतलब कि हिंदू गॉड और बौद्ध दोनों में, और महात्मा बुद्ध बीच में खड़े हैं, उनके ऊपर छाता लगा हुआ बड़ा सा, ठीक है, ये से चित्र बना हुआ विमरन कैस्केट। अब आते हैं कि बाकी जगहों पर सत्रप का क्या हुआ, है ना? ये तो था एक जगह की स्थापना, मूल क्षेत्र जहां पर गांधार में सबसे पहले स्थापित हुआ और फिर वहां समाप्त हो गया। लेकिन हमने कहा ना कि इनकी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर स्थापित हुई कालांतर, तो कौन कौन सी जगह थी? तो यानी ईरानी थे ये, इसको याद रखना। शकों की 5 शाखाएं थी, मतलब 5 सीट्स थी शकों की, जो अलग अलग जगहों पर, जैसे अलग अलग जो हम कहूं कौन से, कपिस सत्रप जो थे अफगानिस्तान, तक्षशिला के सत्रप जानते ही हो गांधार में जो सबसे पहले थे, ठीक है, मथुरा सत्रप ये यूपी वाला रीजन में, उज्जैनी सत्रप मध्य प्रदेश में, और दक्कनी सत्रप दक्षिण भारत में, ठीक है, जब गए थे सातवाहनों पराजित करके वहां पर स्थापित कर दिया था। तो ये हो गए 5 सीटें, सत्रपों की 5 सीट हो गई है। अब यहां पर एक तो हम लोग निपटा चुके हैं, तक्षशिला के सत्रप। अब हम पहुंचते हैं अफगानिस्तान के सत्रप, कपिस सत्रप। इसमें हमें पता चला था कि कपिस कुसुलक, है ना, वहां पर उन्होंने राजभार ताकत वाकत दे करके, कपिस की पति क्या नाम बताया था अभी, कौन सा कुसुलक, इतना याद कुसुलक, है ना, राजस्थान अफगानिस्तान, तो वहां पर कपिस सत्रप की जो नींव बैठी थी, मोगा के अभिलेख में, ताम्र अभिलेख में दो नाम मिलते हैं जो वहां पर शासन करते हैं, लियाक कुसुलक और पतिक कुसुलक।
ठीक है, लियाक कुसूलक और पतिक कुसूलक अफगानिस्तान को दे दिया था। तो लियाक कुसूलक ने चुकसा से शासन किया था कैपिटल बना करके, ठीक है, और पतिक कुसूलक ने पुसपुरा से शासन किया था। पुसपुरा पतिक कुसूलक ने महादंडाधिपति नहीं महादंडपति की उपाधि धारण किया था। महादंडपति और इन दोनों को बारी बारी से जो राजदंड था मोगा ने ही पकड़ाया था। यानी देखने को मिलता है भले यहां चले गए लेकिन राजा आकर के वही बनाता था, डंडा पकड़ाता था वही, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता इनके बारे में, क्योंकि इनको कुषाणों ने खत्म कर डाला था, ठीक है। तो ज्यादा समय तक रह नहीं पाए, कुषाणों ने पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर ही से कब्जा करते चले आए, नीचे तक आ गए थे कुषाण, शकों को समाप्त किया था कुषाणों ने। इसके बाद हम लोग कुषाण ही पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। अगला आपका है मथुरा क्षत्रप, ठीक है। मथुरा के क्षत्रप जो है पहली सीट की स्थापना किया था हेगाना, ठीक है, और उसके बाद हेगामसा। मथुरा क्षत्रप हेगाना और हेगामसा, और उनके बाद थे रजुवुला। अगले जो है क्या कहते हैं शासक थे रजुवुला, जिनके बारे में मौरा अभिलेख में लिखा गया है कि इसने महासत्रप की उपाधि धारण किया था। महासत्रप की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और मौरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, मथुरा से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनसे जुड़ी हुई, मौरा अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ का एक शासक था रजुवुला जिसने महासत्रप की उपाधि धारण किया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से, मौरा अभिलेख तो 4-5 बार पूछा गया है, कहाँ से मिला, तीन अभिलेखों को मिलान करने के लिए दिया गया था, मोगा मौरा और ऐसे चार अभिलेख थे, उनको मिलाना था, कौन कहाँ से प्राप्त हुआ। और ये भी पूछा गया निम्नलिखित में से किस शक शासक ने महासत्रप की उपाधि धारण किया, तो रजुवुला। उसके बाद कई सत्रप शासक आए यहाँ पर शासन किए, सोडास, शिवदत्त, ठीक है, और शिवघोष ये भी शासक थे। इनके बारे में अगली इंपॉर्टेंट बात मथुरा सत्रप से जो पूछी जाती है, उसके अलावा और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, जितना बता रहे हैं उत्तर पढ़ लो बस। मथुरा सत्रप के जो सिक्के होते थे उसमें इस देवी लक्ष्मी की स्टैंडिंग इमेज और हाथ और तीन हाथी के चिन्ह वाले सिक्के चलाए गए, सिक्के जिनमें की देवी लक्ष्मी देवी खड़ी हैं और सिक्के वह हाथ से ऐसे बरस रहे हैं, है ना, धनवर्ता हो रही। कैलेंडर वैलेंडर में देखे होंगे देवी लक्ष्मी ऐसे ही खड़ी रहती, हाथ से ऐसे सिक्के सिक्का गिर रहे होते हैं, है ना। जो देवी लक्ष्मी पूजा करेगा उसके घर में सिक्के सिक्का आएगा, सिक्का सिक्का आएगा, लेकिन जल्दी उल्लू हो जाएगा। देवी लक्ष्मी की सवारी भी वही है। अच्छा, उल्लू लोग जो होते हैं उनके पास पैसा इसी कारण बहुत होता है हमको लगता है,
और जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो बेचारे बस सरस्वती देवी उनको पकड़े रहती है बस। क्यों रितुल जी अब तो सर उल्टा हो गया। आप हा? पहले सर आप सरस्वती जी की पूजा करोगे तभी लक्ष्मी जी मिलेंगी। नहीं ऐसा कहा है, है वो लोग बेचारे जिंदगी कटती रहती बस। वैसे यहाँ देखा जाए तो धन वर्षा धन वर्षा नहीं होती यहाँ, लेकिन अपना लुटिया ले जाके तालाब से भर सकते हो, अपनी प्यास बुझा सकते हो। हाँ बस वही। चलिए तो तीन हाथी ठीक है। बात है हम लोग पश्चिम के जो सत्रप थे है ना, वहां के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दक्कनी सत्रप यानी कि पश्चिमी सत्रप, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में जो सत्रप शासन करते थे दक्षिण भारत, जिन्होंने दक्षिण भारत से तक उनको भगाया था। सत्रप आप वेस्टर्न इंडिया भी इन्हें आप कह सकते हैं, या अपर दक्कनी सत्रप भी इन्हें, ऊपरी दक्कनी सत्रप भी आप इन्हें कह सकते हैं। यहां पर जो संस्थापक था पहला शासक सौराष्ट्र में, जिसने कैपिटल बना करके शासन किया था ठीक है, भूमक, भूमक वाज द फाउंडर ऑफ अपर दक्कनी सत्रप या सत्रप रूल इन वेस्टर्न इंडिया। म्यूट कर लो भाई, किसी की आवाज आ रही है। भूमक का ठीक है, भूमक का सक्सेसर था नहपान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्यों यही ये भी पूछ लिया गया है कि नहपान कौन से सत्रप का शासक था ठीक है, तो वेस्टर्न सत्रप, ये यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक था और भूमक का पुत्र था है ना। भूमक के सिक्कों में इसके बारे में लिखा गया है छकराता छत्रपा ठीक है, छकराता छत्रपा ठीक है, और इसके सिक्कों में शेर बना होता था, इसके सिक्कों में शेर बना होता था। मालवा गुजरात से इस तरह के सिक्के पाए गए। अगली बात आती है कि भूमक के बारे में वर्णन एक विदेशी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में भी देखने को मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में देखने को मिलता है। अगला है उज्जैन सत्रप, उज्जैन सत्रप, इसके फाउंडर थे चेष्टना, जिसने सातवाहनों को पराजित किया था, चेष्टना ने ठीक है, बताया था ना शक शासक चेष्टना था वो आ गया था, उसने एक बार पराजित कर दिया था तो भाग के जाना पड़ा था है ना, और उसके बाद फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी आ गया था, उसने फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ाया था, शकों को पराजित करके भगाया था, बाद में रुद्र दामन प्रथम पर पुलमाई द्वितीय ने आक्रमण किया था दो बार, तो रुद्र दामन भी यही इसी इसी का था, चेष्टना का बेटा था, नहीं चेष्टना का ग्रैंडसन था रुद्र दामन, जो सबसे प्रतापी शासक था। चेष्टना ने तीन भाषाओं में सिक्के चलाए, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी,
और सातवाहनों को पराजित करने वाला था जैस्तना, उज्जैन का सत्रप का ब्रांच का था। तालमी के इंदिका जो ग्रंथ है भूगोल की, है ना, नहीं तालमी ने कौन सा लिखा था ग्रंथ, नहीं याद आ रहा मुझे भी, इंडिका ही लिखा था क्या, नहीं मेगास्थनी ने लिखा था ना, वो तो तालमी ने लिखा था चेस्टन ऑफ ओजोन, हाँ टेस्टन ऑफ ओजोन लिखा था तालमी ने, सिर्फ भूगोल लिखा था भूगोल, हाँ भूगोल तालमी भूगोल थी, इनका टेस्टन ऑफ ओजोन इनका नाम उसके ग्रंथ में मिलता है। इनका बेटा और गिरनार के अभिलेख में विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सक ईयर 72 लिखा हुआ मिलता है, है ना, मतलब कि अगर उसमें 78 जोड़ देंगे प्लस, क्योंकि उस 78 ईयर ज्यादा होता है सक कैलेंडर, है ना, तो क्रिश्चियन कैलेंडर में 78 साल जोड़ दो तो सक कैलेंडर मिल जाता है, तो इसने सक कैलेंडर जो शुरू किया था तो उसमें जोड़ दो 72 लिखा हुआ है, तो यानी 78 उसमें जोड़ दे तो 150 एडी निकलेगा, जिससे पता चलता है कि इसने 150 एडी में शासन किया था। इसने भी स्वयं को महासत्रप घोषित किया, ठीक है, महासत्रप की उपाधि प्राप्त किया। इसने सातकन्नी को हराया था दो बार, नहीं किसको, पुलमाई को हराया था ना, कि सातकन्नी को हराया था, पुलमाई द्वितीय को हराया था, पुलमाई द्वितीय को हराया था, हाँ वासिष्ठी पुत्र सातकन्नी यानी कि, है ना, पुलमाई द्वितीय को दो बार हराया था, लेकिन मारा नहीं क्योंकि वो दमाद था। फिर रुद्रदामन के बाद में जो है इनके सबसे सर रुद्रदामन द्वितीय, रुद्रदामन तृतीय ऐसे आए, ठीक है। जब अरब लोग आए अटैक किए तो इन इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ और यहाँ का सत्रप सिस्टम समाप्त हुआ था, ठीक है। इनके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रीक राइटर था जिसका नाम था यमनेश्वर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यमनेश्वर, जिसने यमन जातक नाम को, नाम के ग्रंथ को मतलब ग्रीक से संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया। यमन जातक ग्रीक से संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया, ये एस्ट्रोलॉजी पर ग्रंथ है, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र पर। इसका जो सिमिलर एक ग्रंथ है जातक वर्णम, ज्योतिष का ग्रंथ है, इससे पता लगाया जाए, बहुत ज्यादा डीप ज्योतिष है इसमें, जैसे कोई तुम्हारे सामने आकर के बैठे और अपने बॉडी के अंग को कोई छुए या कुछ पूछते हुए, है ना, या कुछ कोई क्वेश्चन पूछते हुए कोई बॉडी के अंग को छुए तो उसके आधार पर पूछा कितने बजे है प्रश्न, उसको निकाल करके और सारा चीज करके बताया जा सकता है कि प्रश्न काल के आधार पर कि हाँ इस क्या होने वाला है, और यहाँ तक कि ये अभी उठेगा तो जाएगा तो क्या क्या करेगा, यहाँ तक विचारा जा सकता है। जातक वर्णम ग्रंथ है, इस पर आधारित है, बहुत तगड़ा ग्रंथ। अगली बात जो रुद्रदामन प्रथम से जुड़ी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया,
ठीक है, मौर्यों ने जो बनवाए थे, अशोक ने, ठीक है, सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया था। सुदर्शन झील कहाँ थी? क्या सर? सुदर्शन झील गुजरात। हाँ सेकेंड टाइम। अच्छा ये बताइए कि कितनी बार ये बनवाई है, किसने किसने बनवाई है? सर चार टाइम है टोटल। हाँ चार बार पुली बनवाई गई है ना, किस और इसको बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर। स्टार्टिंग तो सर चंद्रगुप्त मौर्य है। हाँ सर। हाँ फिर कितने बनवाए? फिर रुद्रदामन के समय और एक और स्कंदगुप्त। हाँ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त सौराष्ट्र। सुदर्शन का मतलब होता है सुंदर पानी है ना, सुदर्शन जिसको हाँ, देखने से बड़ा शुभ प्राप्त हो है ना। वो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में नियुक्त राजपाल थे, मतलब गवर्नर, और गिरनार पहाड़ी है सौराष्ट्र में, ठीक है। क्या नाम था उस गवर्नर का जिसने बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य का? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। फिर ये झील जो है टूट गई, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया था है ना, पानी को इकट्ठा कर लेते थे इसमें, एक तरह से रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, आर्टिफिशियल लेक। फिर सम्राट अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। हाँ सर। और उस समय तुसास्प जो इनका गवर्नर था सम्राट अशोक का, उसने तुसास्प ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है ये सब नोट कर लो, ये बड़ा पेपर में बहुत पूछा गया है, ठीक है। तुसास्प अशोक, तीसरी बार शक शासक रुद्रदामन ने, ठीक है, और अब की बार सौराष्ट्र के गवर्नर थे सुविशाख, सुविशाख उनसे निर्माण करवाया था, ठीक है। और चौथी बार गुप्त काल में स्कंद गुप्त ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालित, ठीक है, चक्रपालित से इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और झील पर एक बांध का निर्माण भी करवाया था एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। रुद्रदामन के समय ये झील क्यों टूटी थी? ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, ये भी पूछा गया है, भूकंप के कारण कि वाह, ऑप्शन ए भूकंप के कारण, ऑप्शन बी कुषाणों के आक्रमण से, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन भी बने हैं। अत्यधिक वर्षा से ही झील हर बार टूटती थी, इसीलिए इसको और मजबूती देने के लिए डैम का निर्माण करवा दिया था स्कंदगुप्त ने, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके शक के बारे में भी देख लिया है ना, और क्या बताया था, खत्म कहाँ पर हुआ, ये अंतिम शासक थे, इनको किसने समाप्त कर दिया था जो है? कुषाणों ने सर। कुषाणों ने, तो हम लोग कल से पढ़ेंगे कुषाण, ठीक है। रुद्रदामन चतुर्थ थे अंतिम शासक इसके, रुद्रदामन प्रथम के बाद सब लड़खड़ा गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये वाली शाखा तो
ये वाली सागा तो चंद्रगुप्त तो सेकंड ने खत्म की, जो ये लास्ट वाली रुद्रदामन वाली ना जी, हाँ जी, वो आगे जा करके समाप्त होगी, गुप्त साल काल तक वो चलती रहेगी लास्ट वाली, वो जा करके वहां समाप्त होगी। मथुरा उथरा वाले सत्र अभी समाप्त हो जाएंगे कल। डिसेंट्रलाइजेशन का ये फायदा भी देखने को मिलता है, पूरी तरह से नहीं समाप्त हो रहे हैं, लंबे समय तक शासन किए लेकिन अलग अलग जगहों पर। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये भी तो आया ना कि जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम भी आगे चलकर बढ़ा, उसको बढ़ावा मिला है और इससे किसानों का शोषण हुआ है। नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन अलग हो गया, ये डिसेंट्रलाइजेशन अलग हो गया, यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है दूसरा, ये तो अपना राज्य ही बांट दे रहा है पावर, गवर्नर पूरी तरह शक्तिशाली हो गए हैं, है ना सर। भूमि अनुदान, सर भूमि अनुदान दिए गए, सर भूमि अनुदान जब दिए गए तो लोग बाद में उनको सर अपना उस पर अपना अधिकार जमाने लग गए सर, और कुछ समय में आगे चलकर तो उनको फिर अपने उन अनुदानों को बेचने का, गिरवी रखने का अधिकार भी उनको मिल गया, ट्रांसफर करने का अधिकार उनको मिल गया। ये तो बहुत लेट हुआ है, ये तो मेडुअल पीरियड की बात है सर, एंशिएंट में भी मिलता है सर, जैसे आप जैसे एंशिएंट में भूमि के मालिक नहीं होते थे, एंशिएंट में टैक्स देते थे भूमि के मालिक, वो बेच वेच नहीं सकते थे, जमीन जिसको दिया गया उसी के पास रहती थी, ठीक है, इस तरह का पावर नहीं था तब। और अलग अलग फेज में अलग अलग तरह का रहा है, अलग अलग फेज में बहुत अलग अलग तरह का रहा है, कभी कुछ रहा कभी कुछ रहा है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत छोटी लेवल की बात हो गई। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले हमसे, सातवां डायनेस्टी ने अलग क्या दिया, अगर मोदी से अगर पहले की जितने भी डायनेस्टीज उनसे बात करते हैं, दो तीन चीजें देख सकते हैं, जैसे कि एक तो मात्र सातवां सिद्धांत आर्यनिज्म, और एक है ये भूमि आर्यनिज्म भूमि अनुदान की प्रथा, और डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा बढ़ावा। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। भूमि अनुदान का मतलब ये हुआ, देखो हमेशा से ही जमींदारों की जरूरत पड़ेगी, राजा जाकर के जमीन से वसूली नहीं कर पाएगा कभी, वो हमेशा से रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है, भूमि अनुदान का मतलब पूरी तरह से डोनेट कर देना होता था, ये हमेशा पूरा नियंत्रण अच्छा, में राजा के ही रहता था, लेकिन एक आध जगहें उठा करके उसने दान कर दी कि ले जा भाई तू मौज कर, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो दान देना है, दान। और क्या तुम जानते हो कि राजा खुद ही जाकर के किसानों से वसूलेगा? नहीं सर, तो उसको तो हमेशा चाहिए जमींदार, जमींदार किसी न किसी रूप में हमेशा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल। और भूमि अनुदान का तात्पर्य है कि जमीन दान कर दिया किसी को, भीख ले जा इतना, तुम जाओ इसको लेकर के जाओ, तुमको इधर का हम दे दिए पार्ट, ठीक है, तो ये चीज होती है दान देना, उसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, छोटा सा एक गांव उठा दे दिया, क्या मतलब उसका, कुछ नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य वो डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी हुआ, रहेंगे तो उसी का अधीन, ठीक। और सर एक चीज और, जैसे कि पूछ ले कि मतलब भूमि अनुदान दिए क्यों गए? अरे यार भूमि अनुदान के तुम पीछे पड़े हुए, बहुत छोटी सी घटना है भूमि अनुदान, ये हमेशा से चला आया है, हमेशा से चला आया है, ये कहीं तुम पढ़ लिए हो एक लाइन, बस यही दिक्कत है, भूमि अनुदान हमेशा नहीं, 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 सर, एक लाइन नहीं सर, फैक्चुअल बात आती है सर, तो सातवां डायनेस्टी के नाम आता है, और सर एक्सप्लेन अगर एक्सप्लेन की बात आती है तो भी सातवां डायनेस्टी के नाम आता है सर। भूमि अनुदान क्या अशोक के शासन काल में नहीं था? बारबरा की गुफाएं नहीं दी गई थी, उसका एरिया नहीं दिया गया था आजीवक संप्रदाय को? यहाँ भूमि अनुदान का मतलब यहाँ पर ये यह होता है ना, कि जैसे
लैंड ग्रांट टैक्स भी लेंगे, किसी को दे दिया कि हाँ तुमको दे रहे हैं है ना, और उनसे तुमको उनको दे दिया वो राज्य क्षेत्र में शासन करने को, लेकिन उनको टैक्स भी देना है, और इसके पहले जो देते थे वो पूरी तरह डोनेट कर देते थे, टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन इन्होंने ज्यादा पैमाने पर किया, बहुत सारे लोगों को जो भी इनके खास खास हुआ करते थे है ना, उनको उठा करके जमीनें दी और उनसे कहे कि तुम यहाँ से टैक्स वसूल करके यहाँ पर जमा करना, इतना परसेंट तुम अपने पास रखना, तो एक तरह से जमींदारी का प्राथमिक रूप ये देखने को मिल रहा, लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। पहले गवर्नर, पहले सरकारी कर्मचारी वसूलते थे, अब ये भी इनडायरेक्ट सरकारी कर्मचारी हो गए, उनको पैसा देना पड़ता था, इनको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे कि हमने अधिकारी रखे हैं भाग दुघा, भाग दुघा क्या करता था, जा करके टैक्स कलेक्ट करता था है ना, और उसको परमानेंट सैलरी देनी होती थी। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जिनको सैलरी ही ना देनी पड़े, कह दिया जाए कि भाई तुम इतना कुछ अपने पास रख लेना, बाकी हमको दे देना, तो वो अपना वसूली जैसे वसूलना, हमारा ठेडक खत्म, और लोकल का एरिया का होगा आदमी, बढ़िया से वसूलेगा भी, ठीक है कि। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्राह्मणों को देते थे, ये भी जहां पढ़े हुए किताबें बहुत फर्जी फर्जी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं पर कुछ लिखा होता है। नहीं सर, एनसीईआरटी में पढ़ा था। एनसीईआरटी में कहां पढ़े हो कि क्या लिखा वहां, सात वाहनों ने इसकी शुरुआत की है, कारण भी है? नहीं नहीं सर, कारण बताइए, कारण पढ़े थे मैंने उसमें, और दुनिया का जो साक्ष्य है ना वो भी सात वाहनों का ही है, ये कैसे वास्तव में पढ़ा है सर मैंने। अरे तुम हमको फोटो खींच के भेजाओ, तुम कहाँ लिखे हो केवल सात वाहनों ने काम किया है, कहाँ पढ़े हो तुम, कौन सी एनसीईआरटी में, फोटो खींच दिखाओ, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, जहां पर लिखा हो कि इन्होंने सात वाहनों ने ही किया है, पीछे भी होता रहा है ना, और यहाँ पर यह है कि हाँ इन्होंने ग्रांट देना शुरू किया था, एक तरह से जमींदारी वाला जो सिस्टम जिसे कहते हैं, उसका प्राचीनतम रूप इसे हम ये कह सकते हैं, बस भूमि अनुदान पहले चला रहा है, ठीक है, ग्रांट सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, वो तुमने पढ़ा होगा, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसकी लाइन में, उसकी वर्डिंग्स में, बिल्कुल सर, हो सकता है कंफ्यूजन, हाँ ठीक, और किसी कुछ पूछना है, चलिए ठीक, सब बात माफ की जाती है।